नमस्कार, 25 लगातार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के बिजोलिया उपखंड के छोटी बिजोलिया गांव के कुकरेश्वर महादेव मंदिर में हनुमान प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन विद्वान पंडितों के सानिध्य में 21 कुंडली यज्ञ की शुरुआत की गई। श्रद्धालुओं ने जोड़े सहित हवन में आहुतियां प्रदान की। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 19 मई को होगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी स्थित किराना दुकान से बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन लेकर दो युवक फरार हो गए। घटना आज दोपहर की है। दिन दहाड़े घटी घटना से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल बना है। वहीं घटना स्थल पर लालबाग थाना पुलिस पहुंची और मामले की शुरुआती जांच प्रारंभ कर दी है। बोकारो पुलिस अधीक्षक के सख्त आदेश के बावजूद भी दुग्गा थाना क्षेत्र में कोयले का अवैध धंधा जोरों पर है। क्षेत्र के शांति मोड़ स्थित नालापत्ती पारतांड एवं दुग्गा रेलवे साई डक से प्रतिदिन दर्जनों साइकिलों के माध्यम से अवैध कोयले का धंधा जबरदस्त फल फूल रहा है। एक नालापत्ती एवं पारतांड में कोयला चोरी कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे ताप्ती शुद्धि अभियान में गायत्री परिवार के साथ प्रशासनिक अधिकारी एवं शहर के सामाजिक संगठन एवं जनप्रतिनिधियों ने तपती धूप में ताप्ती घाट पर सामूहिक श्रमदान किया, जिसमें कलेक्टर दीपक सिंह, संयुक्त कलेक्टर एमएल आर्य, एसडीएम सोहन कनास, महापौर अनिल भोसले, निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, होमगार्ड विभाग, संत समाज, पतंजलि योगपीठ, आर्ट ऑफ लिविंग, जन जागृति संस्था, भावसा समाज के साथ बड़ी संख्या में आमजन ने सामूहिक श्रमदान किए। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में आयोजित नर्मदा सेवा यात्रा के यात्रियों को कांग्रेसियों ने बांटी शराब की नकली बोतलें। शराब पर सरकार की दोहरी नीति के विरोध में नकली शराब दुकान खोलकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक गोविंद राजपूत की अगुवाई में दिए जा रहे इस धरने के दौरान वहां से नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल होने जा रही बस के यात्रियों को कांग्रेसियों ने शराब की नकली बोतलें बांटी। धरने के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष गोविंद राजपूत ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार की नीयत ठीक नहीं है। आज गली गली में अवैध शराब बिक रही है। हैरत की बात यह है कि यात्रियों ने भी असली शराब समझकर बोतलें लपक ली। बिहार के शेखपुरा में बिजली चोरी करने वाले लोगों का विरोध करना एक दंपति परिवार को महंगा पड़ गया। दबंगों ने झोपड़ी सहित दंपति को जलाकर मारना चाहा, लेकिन किसी तरह वृद्ध दंपति ने झोपड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। यह मामला शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के एक सारी गांव का है। पीड़ित वृद्ध दंपति सदर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। दूसरी तरफ पीड़ित वृद्ध दबंगों के भय से गाँव में भी जाना नहीं। छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ में ईसा मसीह के क्रूस पर अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ईसाई समुदाय के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ में धर्मजयगढ़ के ईसाई समुदाय के सैकड़ों लोगों ने आज थाने पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि रामप्रसाद पुरकायस्थ नामक व्यक्ति ने उनके धर्म के साथ सोशल मीडिया में मजाक उड़ाया है। पवित्र क्रूस पर किसी अश्लील युवती की फोटो को वायरल किया है। समाज के लोगों ने इसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन पुलिस को सौंपा है। कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुरगुम पुलिस और डीआरजी की टीम ने रविवार को एक मुठभेड़ में 16 लाख के इनामी माओवादी कमांडर विलास उर्फ आयतू उर्फ कैलाश उर्फ गिलास को मार गिराया है। मारे गए नक्सली कमांडर विलास के पास से पुलिस को एक AK-47 बरामद हुआ है। घटना की पुष्टि करते हुए SP आरिफ शेख ने बताया कि बुरगुम थाने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और जिला आरक्षित बल गश्त में निकली थी। ग्राम मुतनपाल के पटेलपारा के पहाड़ियों पर घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस बल को घेरने का प्रयास किया। बिहार में शेखपुरा और शिवहर पुलिस ने शेखपुरा थाने के पथियाफर गांव से चंदन और उसके पिता जितन चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। चंदन इंटर परीक्षार्थी संपर्क कर विषय में फेल होने की बात कहकर ज्यादा नंबर बढ़ाए जाने का झांसा देकर ठगी करता था। चंदन अभी तक 6 लाख रुपए की ठगी लगभग 20 लोगों से कर चुका है। अंक बढ़ाए जाने के इस खेल में मास्टरमाइंड अभिषेक के घर पर भी पुलिस ने छापेमारी किया, लेकिन फरार हो गया। घर की ली गई तलाशी में कई कागजात, प्रिंसिपल का मोहर भी बरामद हुआ है। बिहार के बक्सर में शादी के 3 वर्ष बाद पति व ससुर ने मिलकर शिवकांति देवी को मार डाला। रिश्ते जब कमजोर हो जाते हैं तो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। घर में सो रही विवाहिता को ससुराल वालों ने तेल छिड़क कर जिंदा जला डाला। पीड़ित महिला ने अधजली अवस्था में बताया कि उसके पति लक्ष्मण साह, ससुर धीरुन साह, ननंद राधिका देवी को उसने नामजद किया है। अधजली अवस्था में घंटों बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। सुबह उसे रघुनाथपुर PHC से सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां दोपहर शिवकांति ने दम तोड़ दिया। वही पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए ससुर धीरुन को गिरफ्तार कर लिया है।
बिहार में शेखपुरा जिले के डलहर गांव में घर में गड्ढा कर शौच को बाहर फेंके जाने की खबर INA में चलाए जाने पर बड़ा असर हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से BDO सहित स्वच्छता समिति के लोग गांव पहुंचकर शौचालय बनाए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं INI के इस प्रयास की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। INI ने अपने दायित्वों का सही निर्वहन करते हुए प्रमुखता से खबर चलाया, जिसका असर हुआ कि सुबह से ही जिला प्रशासन की टीम डलहर गांव पहुंचकर ग्रामीणों से शौचालय बनाए जाने का अनुरोध किया। प्रशासन की टीम को देखकर डलहर गांव के लोग काफी खुश दिखे। INI ने जन सरोकार के मुद्दों पर जो कारगर पहल किया है, शेखपुरा जिला CPI जिला मंत्री ने काफी प्रशंसा की है और INI को बधाई दी। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के जनकपुर इलाके में गुरुवार को एक महिला अपने दो बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। जनकपुर के फुलझर गांव में हुई इस चौंकाने वाली घटना में महिला को तो बचा लिया गया, पर दोनों बच्चों की मौत हो गई। महिला को जनकपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत सामान्य है। घटना के समय महिला का पति शैलेंद्र अपने माता पिता के साथ जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गया था। उत्तर प्रदेश में जनपद आजमगढ़ के दीहा मेहनगर गांव में विद्यालय के समीप मंदिर है, जो पौराणिक दृष्टिकोण से वह काफी प्राचीन है। गांव के कुछ लोग संगठित होकर इस गांव के साफ सफाई व निर्माण के लिए हमेशा प्रगति पर कार्य करते हैं, पर काफी दिनों से कार्य नहीं हो पाया। महेंद्रनाथ यादव का कहना है कि इस संगठन का उद्देश्य है मंदिर का सुंदरीकरण, साफ सफाई और उसकी बाउंड्री वॉल पर कार्य करने का मकसद है हमारे और क्षेत्रवासियों का। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिस पर हम सबका पूर्ण विश्वास है। इस कार्य को प्रमुख रूप से निभा रहे रामानंद जायसवाल का कहना है कि हमारे पुरखों पुराणों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनका नाम पतालपुरी बाबा सिद्धनाथ है। मध्य प्रदेश के सागर नगर निगम में चल रही गुटबाजी में अब पानी को हथियार बनाया जा रहा है। जल संकट की आहट के चलते टैंकरों से वार्डो में पानी पहुंचाने की व्यवस्था को बीजेपी पार्षद ही ध्वस्त करने में लग गए हैं। तय टैंकर की संख्या से ज्यादा की डिमांड पूरी नहीं होने पर बीजेपी पार्षद ने बक्सीखाना हाईटेंड जल सप्लाई केंद्र में ताला जड़ दिया, जिससे आज आधे शहर में पानी नहीं पहुंचाया जा सका। मामला जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। दरअसल पिछले वर्ष जल संकट के दौरान हुए खर्च में भ्रष्टाचार के आरोप महापौर अभय दरे पर लगे थे। विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि कमीशन के फेर में सैकड़ों टैंकर बेवजह किराए पर लगाए गए, इनके भुगतान में भ्रष्टाचार भी हुआ और निगम को आर्थिक हानि भी हुई। वर्तमान में कमीशनबाजी के कथित ऑडियो के मामले में महापौर अभय दरे पावरलेस चल रहे हैं। बिहार के बक्सर में हैंडपंप के लिए दलाल द्वारा रुपए मांगने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। रविवार को उग्र लोगों ने NH-84 पर डुबराव विधायक का पुतला फूंक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब ददन पहलवान के सह पर हो रहा है। मामला NH-84 से सटे गोपाल डेरा का है। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे बजरंग यादव का कहना है कि NH से सटे वार्ड नंबर 11 में विधायक की अनुशंसा पर चापाकल लगाया जा रहा था, दो दिन काम भी हुआ। इसी दौरान एक आदमी आया, बोला कि 10,000 रुपए दोगे तो यह हैंडपंप लगेगा, नहीं तो नहीं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कला मंच के तत्वाधान में आयोजित जन जागरण यात्रा आज सुबह रतनपुर पहुंची, जिसका रतनपुर के लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। बिलासपुर कला मंच के द्वारा रतनपुर नगर पालिका परिसर में अरबा बचाव के साथ रतनपुर में स्थित तालाबों के संरक्षण विषय पर गोष्ठी का आयोजन बिलासपुर कलेक्टर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर कलेक्टर ने कहा कि जलवायु अधिक परिवर्तन होने के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बूढ़ा बगीचा से पिछले 2 साल से गायब युवक की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल युवक को मारकर घर के अंदर दफना दिया गया था। प्रेम प्रसंग के चक्कर में युवक की हत्या की गई थी। हत्या में पति पत्नी शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हिरासत में लेकर उनके निशानदेही पर कब्र से लाश को बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुए इस कत्ल की कहानी से चारों ओर सनसनी फैल गई है, वहीं परिवार का भी बुरा हाल है। राजस्थान में बिजौलिया उपखंड के छोटे बिजौलिया ग्राम में कुकरेश्वर महादेव मंदिर में हनुमान मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत विशाल कलश यात्रा निकाली गई। मंदाकिनी महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में 1008 महिलाएं सर पर कलश धारण किए साथ चल रही थी। 5 किलोमीटर की दूरी तय कर कलश यात्रा छोटी बिजौलिया कुकरेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से गणपति स्थापना व अग्नि स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक निजी होटल में बेगम मुमताज की पुण्यतिथि मनाने को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें विशेष मेहमान मुगल वंशज शाहजहां के परपोते प्रिंस याकूब उपस्थित रहे। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज की याद में मुमताज फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मुमताज महल फेस्टिवल के चेयरमैन शहजादा आसिफ खान द्वारा बताया गया कि इस साल 43वें फेस्टिवल पर मुगल वंशज शाहजहां के परपोते अपने पुत्र पत्नी सहित विशेष आमंत्रण पर इस आयोजन में हिस्सा ने बुरहानपुर तशरीफ लाए हैं। प्रिंस याकूब ने वार्ता में बताया कि बुरहानपुर की जर्जर धरोहर को लेकर प्रधानमंत्री को लिखित पत्र देकर अवगत करेंगे।
छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के सिरी गांव में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छांव में चौपाल लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग एक घंटे 20 मिनट तक ग्रामीणों के बीच रहे और उनकी समस्याएं सुनी। गौरतलब है कि प्रदेशव्यापी लोक सुराज अभियान का अंतिम दौर जारी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री सिरी पहुंचे। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीण अभिभूत हो गए और उनसे समस्याओं और शिकायतों की झड़ी लगा दी। ग्रामीणों ने सबसे पहले खाद्यान्न योजना के तहत मिलने वाले चावल का लाभ पिछले दो महीने से नहीं मिलना बताया, जिसे सुनकर सीएम ने तत्काल एसडीएम को चावल वितरण करने के निर्देश दिए। सीएम ने ग्रामीणों की मांग को स्वीकार करते हुए तत्काल 10 लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण की घोषणा की। सीएम ने लोगों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आग्रह किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गाँव कल्याण विघा पहुँचे। पत्नी स्वर्गीय मंजू देवी की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के दौरान माता पिता के आदमकद प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दिया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम जनता की समस्या को भी सुना और कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार के शेखपुरा में बिजली चोरी करने वाले लोगों का विरोध करना एक दंपत्ति परिवार को महंगा पड़ा। दबंगों ने झोपड़ी सहित दंपत्ति को चलाकर मारना चाहा, लेकिन किसी तरह वृद्ध दंपत्ति ने झोपड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के सिंधौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत का मामला सामने आया है, जिसमें प्रधान ने अपने चार बार प्रधानी कार्यकाल में जनता को विकास के नाम पर सिर्फ धोखा ही दिया है। प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के साथ साथ कोटेदार ग्राम विकास अधिकारी व सेक्रेटरी सभी लिप्त माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में केंद्रीय बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री कृष्णराज ने जनपद प्रवास के दौरान अचानक बाल सुधार संप्रेक्षण गृह पहुंच गई, जहां की खामियां देखकर मंत्री जी ने स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी ने पाया कि विगत 4 मई से एक बच्चा गायब है, जिसके संबंध में अभी तक किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई। सभी काम बच्चों द्वारा कराया जाता है। 46 में से 10 मानसिक विकलांग बच्चों को मात्र 2 ही बैरगों में भूसे की तरह भरा जाता है। बाल सुधार गृह में मौजूद बच्चों ने मंत्री को बताया कि यहां पर खाना बनाने और साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं है, उन्हीं लोगों से सभी काम लिया जाता है। बिहार के औरंगाबाद शहर में छिपकर आम आदमी की तरह जीवन बिता रहे एक नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से AK-47 का 2 जिंदा कारतूस, 2 नक्सली पर्चा, 2 मोबाइल और 2200 रुपए नकद बरामद किया है। उक्त नक्सली नित्यानंद सिंह की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के रामा बांध क्षत्रिय नगर से की गई है। गिरफ्तार नक्सली भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य है, जो पहले लड़ाकू दस्ते में शामिल था। कुछ दिनों से वह नक्सलियों के आमदनी का लेखा जोखा रखने का काम करने के साथ साथ सब जोनल कमांडर को हथियार और गोली पहुंचाने का काम करता था। उसके ऊपर विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई नक्सली मामले दर्ज हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहें आई9 न्यूज के साथ। नमस्कार।